ओके गाइस, यहाँ पे देख सकते हो Naukri.com पे यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। डोंट वरी गाइस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देती हूँ, एज वेल एज कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर देती हूँ, ठीक है। आपको कहीं से ढूंढना बहुत इजी होता है, वहां से आप पिक कर सकते हो। अगर आप लिंक पे दबाते हो तो ऐसा वाला Naukri.com का पेज ओपन होने को आपको मिलता है, ठीक है। अगर आपके पास अकाउंट है तो यू कैन लॉग इन हियर गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे टेली परफॉर्मेंस है, 0 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे पूछा गया है। सैलरी पैकेज भी अच्छी खासी सैलरी पैकेज, कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम गाइस। बहुत सारे लोग मुझे यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम अगर जॉब होता है तो राइट नाउ अभी बता देना। तो गाइस यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के लिए हायरिंग चल रही है, ठीक है। तो नीचे आते हैं, जॉब हाईलाइट्स पे देख लेते हैं। यहाँ पे वी आर हायरिंग कैंडिडेट्स फॉर वर्क फ्रॉम होम फॉर एनी लोकेशन अक्रॉस इंडिया। अगर आप कौन सी भी सिटी से बिलोंग करते हो, कौन सी लोकेशन पे भी होते हो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओनली कैंडिडेट्स विद एक्सलेंट स्पोकन इंग्लिश एंड हिंदी कैन अप्लाई। यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश दो भी अब यहाँ पे मैंडेटरी है, कंपनी के साइड से रिक्वायरमेंट है। तो आपको हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए बोलने के लिए। एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू दे विल चेक ऑल योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वहां पे उनको पता चल जाता है कि आपको हिंदी आती है कि इंग्लिश आती है। नेक्स्ट आती है कि यहाँ पे शिफ्ट टाइमिंग्स 24/7 का यहाँ पे शिफ्ट होता है, मगर कौन सी भी हो सकती है, इट में भी डे हो सकती है, इट में भी नाइट, इट में भी इवनिंग, इट में भी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट। तो यहाँ पे लॉग इन आवर्स आपको 9 घंटे देने होते हैं दिन में, ठीक है। 1 घंटा होता है कि ब्रेक, 8 घंटे आपको यहाँ पे काम पे लगे रहना होता है सुबह से लेके रात तक, जो भी आपका शिफ्ट टाइमिंग्स होता है वो। तो यहाँ पे वॉइस प्रोसेस के लिए हायर किया जा रहा है, कस्टमर सर्विस, चैट प्लस वॉइस प्रोसेस यहाँ पे दो भी है। नो लीव्स फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो यहाँ पे प्रोसेस नेम है मिनिमम, जो भी यहाँ पे लैपटॉप का रिक्वायरमेंट है, प्रोसेसर का नेम है मिनिमम i3 प्रोसेसर होना चाहिए गाइस, अगर आपके पास लैपटॉप एंड डेस्कटॉप होता है तो, ठीक है। तो और नीचे आते डिटेल पे सारा का सारा हम यहाँ पे देख लेते हैं। डियर कैंडिडेट, टेली परफॉर्मेंस इज हायरिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम, वी आर हायरिंग कैंडिडेट फॉर वर्क फ्रॉम होम फॉर एनी लोकेशन अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पे भी यही बोला गया है, हिंदी एंड इंग्लिश आनी चाहिए। तो लैपटॉप एंड सिस्टम एंड गुड इंटरनेट कनेक्शन इज मैंडेटरी। द जॉब डिस्क्रिप्शन इज एज फॉलो। तो यहाँ पे 24/7 यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, 9 घंटे है, एंड चैट प्लस आपका वॉइस प्रोसेस होने वाला है। यानी कि अगर आपको आइडिया नहीं होता है तो मैं बता देती हूँ कि क्या वर्क करना है एग्जैक्टली आपको, कि यहाँ पे कस्टमर्स के जो भी यहाँ पे क्वेरीज है वो सॉर्ट आउट करनी चाहिए गाइस। वो ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा कैसे करना है, कहाँ कहाँ कौन से ऑप्शंस होते हैं, कैसे दबानी है, कैसे कॉल करनी है, कैसे कॉल रिसीव करनी है, सब सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चैट होती है, चैट के साथ साथ वॉइस, मतलब जो चैट होने के बाद कस्टमर को कुछ और ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आपको कॉल करके उनसे बात करनी चाहिए। इफ नॉट, अगर कॉल हो जाता है तो उसके बाद चैट करके उनके साथ बात करनी चाहिए, इट्स अ वाइस वर्सा, ठीक है। अगर कुछ कस्टमर्स का कॉल नहीं लगता है तो उनके साथ आप चैट भी कर सकते हो, वरना कस्टमर्स चैट करते तो आप चैट भी कर सकते हो, एज वेल एज फोन कॉल्स भी लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे लीव्स नहीं मिलने वाले हैं आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स तक। इफ इंटरेस्टेड, व्हाट्सएप के यहाँ पे नंबर दिया गया है, HR का नेम, ठीक है, एंड नंबर। तो यहाँ पे आप उनके साथ जो भी आपके रेज्यूमे है वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पे एक फॉर्मेट भी दिया गया है नीचे, रेज्यूम के साथ ही साथ ये सारे के सारे आपको मैंडेटरी है, पूरा फिल करके भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ आपको बेसिक है, यहाँ पे कुछ आपको मिनिमम आइडिया नहीं होगा वो मैं बता देती हूँ कि क्या इस यहाँ पे साइड पे क्या मेंशन करनी है। तो यहाँ पे नेम है, लैंग्वेज है, कॉन्टेक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारे के सारे जो भी आपके है यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सिस्टम का जो नाम है वो यहाँ पे मेंशन करनी है, लैपटॉप कंपनी नेम, ठीक है। तो विंडोज कौन सा विंडोज यूज कर रहे हैं, 10 है, 8 है, 7 है, वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो रैम है यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर जाके जो भी यहाँ पे सिस्टम के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना उसके अंदर जाके आप चेक कर सकते हो गाइस, रैम कितना है, 4 GB है, 3 GB है, 8 GB है, वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। प्रोसेसर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, i3 है, i4 है, i5 है, ठीक है। उसके बाद जाके यहाँ पे प्रोसेसर का स्पीड है वो भी आप चेक कर सकते हो कंट्रोल पैनल में जाके। एंड उसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपके पास प्रीवियस का कोई एक्सपीरियंस होता है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होनी चाहिए, वो मेंशन कर दीजिएगा। करंट लोकेशन, आप कहाँ से रहते हो, आपका सिटी, आपका गांव, सब यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है कुछ इस टाइप में, आपको ये सारे के सारे यहाँ पे मेंशन करके उनको आपके रिज्यूम के साथ ये सारी डिटेल्स उनको मेंशन करके सेंड करनी है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट में आते हैं, विंडोज 10 होनी चाहिए कंपल्सरी है गाइज, यहाँ पे i3 प्रोसेसर पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.0 GHz प्रोसेस यहाँ पे पूछा गया है, नहीं उससे ज्यादा भी होता है तो चलेगा। कैंडिडेट ओनली रिसीव कॉल इफ सिस्टम क्राइटेरिया मैचेस।
तो यहाँ पे जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लिख के सेंड करते हो ना, वो अगर उससे मैच करता है जॉब क्राइटेरिया के साथ, तभी आपका कॉल बैक आएगा, ठीक है। अगर आप कॉल करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, HR नंबर गिवन बिलो, दीक्षा है उनका नाम यहाँ पे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, इफ नॉट कहीं पे भी नोट डाउन करके रख लेना। नहीं आप कॉल नहीं करना चाहते हो तो बस सिंपली रिज्यूमे ड्रॉप करके ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख के सेंड कर दीजिएगा। एंड अगर आप दूसरा तरीका से अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई बटन है गाइस। यहाँ पे अगर अप्लाई करते हो तो कुछ यहाँ पे ऐसे फॉर्म जैसा आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो रिज्यूमे है यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, उसके साथ जाके आपको अपडेट एंड अप्लाई पे दबाना है, सो दैट ये सारा का सारा जो भी रिज्यूमे है उनके पास चला जाता है, उसके बाद आपको कॉल बैक आता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में होता है गाइज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले जरूर लाइक कर देना एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।